Hey guys, good morning and welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं? I hope मेरे सारे friend बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे and स्वस्थ होंगे. मैं just अभी नहा करके आई हूँ, बाकी घर का काम कुछ भी नहीं की हूँ. तो आज मैं कुछ अनदर घर का कुछ भी ब्लॉग में शूट करने वाली हूँ, से नहीं हूँ, नहीं करूँगी आज. तो आज कुछ आप लोग को दिखाऊंगी जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जो दिखाऊंगी, मतलब मौका नहीं मिला मुझे. मैं वो तिजोरी में हाथे नहीं दी हूँ इसके लिए. तो फाइनली आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करना पड़ेगा. तो क्या दिखाना चाहती हूँ वो सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मैं आप लोग को खुल के बता ही देती हूँ. तो मेरा जो आशीर्वाद या सोना कपूर बोलते हैं उस, मतलब जो कुछ आता है ससुराल से मेरा, तो वो मैं दिखाऊंगी. तो ऑलमोस्ट 7 महीना का बाद में आप लोग को, मतलब 7 महीने नहीं 6 महीना का बाद दिखाऊंगी, क्योंकि शादी में और 1 एंड मतलब 1.5 महीना लगभग ऐसा है और ज़्यादा टाइम नहीं है. तो उसका पहले मैं सोच रही हूँ चलो आप लोग को ये वाला देख कर दिखा करके ख़त्म करती हूँ. आई डोंट नो मैं बाद में ब्लॉग शूट कर पाऊँ कि ना पाऊँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ससुराल से अगर परमिशन मिला तो मैं शूट करूँगी ब्लॉग. और उसके लिए आप लोग का बहुत सारा लाइक शेयर व्यूज होना पड़ेगा, तभी मैं ब्लॉग शूट करूँगी. अदरवाइज मैं स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैमिली मतलब ससुराल से मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि किसी के अगेंस्ट जाना मुझे पसंद नहीं है. कुछ इसके लिए आर्गुमेंट कर सकते हैं, कुछ इसके लिए आर्गुमेंट नहीं कर सकते, वही बात है. और बस मुझे अभी बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. अगर सपोर्ट मिला तो मैं ब्लॉग करूँगी, अगर नहीं मिला तो मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँगी. तो टोटली डिपेंड आप लोग के ऊपर में, आप लोग क्या चाहते हैं. अगर आप लोग चाहते हैं मैं ब्लॉग करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं करूँगी, नहीं तो जो मैं बोली हूँ मुझे बंद करना पड़ेगा, चैनल को, इस चैनल को बंद करना पड़ेगा, बस इतना ही. एंड फ्यूचर में अगर मुझे, मतलब मेरा ब्लॉग शूट करना बहुत ही अच्छा लगता है, फ्यूचर में मौका मिले तो मैं बिल्कुल करूँगी वही. और हस्बैंड से मुझे फुल मतलब सपोर्ट है, वो मुझे कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन घर से, मतलब घर से अभी तक शायद ससुराल से घर का और मेंबर है उन लोग से मुझे अभी तक कुछ भी, मतलब उन लोग को पता नहीं मैं ब्लॉग करती हूँ बोलकर. तो वही. और मेरा जो ससुराल है वो जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स है मेरे फैमिली ससुराल में पूरा टोटल. और उन लोग मतलब जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं, जॉइंट फैमिली है लेकिन अलग अलग खाते हैं, शायद मुझे इतना अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है. तो जितना नॉलेज है उतना है आप लोगों को मैं बताई हूँ, और तो बाकी जा कर के मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ ससुराल में. मम्मी भाई सब लोग जा कर के घर देखे, मैं अभी नहीं देखी हूँ. और इतना दिन ये सब का बारे में मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ. और जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, मुझे बहुत मैं खुश हूँ. मैटर ये नहीं करता है क्या मिला है मुझे, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है मेरा ससुराल अच्छा हो, सपोर्टिव हो, सब लोग अच्छे हो, मुझे बहुत प्यार करे. और मैं भी कोशिश करूँगी. फर्स्ट में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन बात मतलब धीरे धीरे मैं एडजस्ट करने के लिए कोशिश करूँगी, सबको खुश रखना ये भी बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी, सब लोग का सर मिलजुल कर रहने में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और मुझे पहले से जॉइंट फैमिली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अकेले बाहर बाहर में, हम लोग दोनों भाई बहन बड़ी हुई हूँ, तो हम लोग जॉइंट फैमिली के बीच में नहीं रही हूँ. और जो फैमिली की, मतलब जो फैमिली का वैल्यू है वो मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानते. जो मतलब फैमिली की ज़रूरत है आस पास में, ऐसे ज़रूरत है, और फैमिली साथ में रहो तो खुशी मतलब दुगना हो जाता है वही. और नोकझोंक तो होते ही है, हर फैमिली में नोकझोंक होते हैं, तभी भी खुशी जो है ना वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए. और मैं बचपन से मतलब बाहर में बड़ी हुई हूँ ना, इसके लिए मुझे फैमिली का साथ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फैमिली के साथ रहना बहुत ही पसंद है. और उन लोग का साथ मौज मस्ती तो और मतलब क्या बोलूँ, कोई वर्ड ही नहीं है. तो वही. तो चलिए मैं आप लोगों को मेरा ससुराल से क्या आया हूँ वो दिखाती हूँ सबसे पहले. तो चलिए
उसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं घर का सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद वो सब दिखाने के लिए आप लोग को आप लोग का साथ बैठूंगी और बात करने के लिए। तो तब तक आप लोग वेट कीजिए, तो मैं चटक से जा करके काम करके आती हूँ। हाय गाइस, और फाइनली मैं दोपहर का लंच करके और पूरा फ्री हो चुकी हूँ फिलहाल। तो अभी मैं एक सेकेंड, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैठी हूँ। और सबसे पहले ये देखने का पहले कि सारा लाइक कीजिएगा, मतलब शेयर कीजिएगा, ताकि मैं बहुत 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 खुशी हूँ जो मैं मेरा ससुराल का सामान दिखा करके आप लोग बहुत खुशी हुए हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये वाला। तो ये है तो शाखा, हाँ ये शाखा बोला जिसे, तो ये शाखा शादी के दिन ये पहनना पड़ेगा, ये शाखा बोला। तो ये मेरा ससुराल से भी आया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है शाखा बोला, शादी का दिन सुबह को पहनाया जाता है ये वाले। तो ये बहुत मतलब ये शंका है ये शाखा, तो संभाल करके रखना पड़ता है। इसके लिए मैं ये एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, तो इसका साथ मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ये कभी कभी निकालना पड़ता है, बीच में एक दिन निकाली हूँ तो हड़बड़ी में अगर गिर जाएगा तो ये। और जो नेक्स्ट ये है अंगूठी रिंग, तो ये बहुत ही सिंपल सा है रिंग और मुझे बहुत पसंद मतलब पसंद आया ये रिंग। आपको भी दिखाई दे रहा है ये, और गोल्ड में से भी रिंग आया है। नेक्स्ट ये वाला बेग, और इसका बेग है छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी, यूजली भी हूँ अभी तक। और ये है सबसे खास ये साड़ी, लेकिन बहुत हेवी है, बनारसी से साड़ी है और इसमें डिजाइन जो है पत्ता डिजाइन जो है बेस्ट ये ऐसा है, ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर का है ये। और बहुत हेवी है, मैं एक दिन पहन करके जिस दिन मुझे आशीर्वाद किया है उस दिन मैं पहन करके उसका बाद मतलब मेरा मेरा हिम्मत नहीं है। तो ये जाहिर साड़ी में इस साड़ी के दिन मैं पहनूंगी, जिस दिन मैं निकाल लूंगी उस दिन मुझे पहन करके ससुराल मुझे जाना होगा, तो उसी दिन पहनूंगी। और इसका जो ब्लाउज का पीस है वो मैं कट कर ली हूँ, लेकिन अभी तक स्टिच नहीं की हूँ। तो जो हम लोग का घर से जो साड़ी आएगा उससे मैं साथ में इसको स्टिच करूंगी बाद में। से जो मतलब चाहिए ये सब आल्टा पाउडर, ये है ब्लाउज एंड पेटीकोट ये है, इसके साथ मतलब वो लोग दिया है। तो वो लोगों को कुछ रिचुअल है करके जाना पड़ा है, इसके लिए ये सब लाया है। और ये है सिंदूर, और एक है तीन लाया था सिंदूर, यहाँ पर है दो, और दो ही लाया था सिंदूर ने, दो है एक फोर्स ये वाला फोर्स करके मुझे आशीर्वाद दिया था। तो ये सिंदूर है, कॉन्टैक्ट है लेकमी का, कुछ भी नहीं यूज नहीं किया है, ये फाउंडेशन एंड आईलाइनर। तो मैं जिस टाइप का आईलाइनर ये टाइप का आईलाइनर मैं यूज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद रबर ये दो है, दो बिंदी एंड दो बिंदी एक कलर का है बिंदी, एक मुझे बनाया था जब हमने बड़े हम लोगों को पिक्चर किया था ना तब बनाया था। और ये है पिन, क्या बोलते हैं इसको, जब वो बाल को खोपा करते हैं तब ये पिन जो लगाना पड़ता है। तो अच्छा क्वालिटी का है ये पिन, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। तो ये दिया है दो, और हाँ तो मिरर
ये है फेयर लवली क्रीम हेयर फेस वॉश, और मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ ये सब यूज़ करना, फिर मेरा स्किन ड्राई हो जाएगा। तो बाद में मैं इन लोगों को स्कूल में देती हूँ, उन लोग अगर यूज़ करें तो कर रहा, और लोग अगर यूज़ करता है ये सामान तो उन लोगों को जरूरी दे दूँगी मैं शादी के टाइम। तो सब लोग अगर इस मतलब जितना भी रिलेटिव है साथ में सभी अगर कोई ना कोई यूज़ करेगा। और ये है ट्रॉली बैग, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं, और बस ये सब लेकर के और घर का सामान लेकर ससुराल फाइनल में जाना पड़ेगा, और माना हाथ मान रहे सारा दिन। तो वो तो सेट लगता है, मतलब सेफ में कभी कभी वो दुखी हो जाती हूँ, कभी रोना आता है, बहुत इमोशनल मैं हो जाती हूँ कभी कभी, मतलब अचानक मतलब एक घर से और एक घर में जाना किसी लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, मन को मनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन क्या करूँ, दुनिया का यही रिचुअल है, जाना तो पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगे ये वाला छोटा सा ब्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।